गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट करते यूनिट सेल रो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव या पर सब डिस्कशन करते बर्तन आज क्लास में स्टार्ट करवा हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ऑलरेडी प्रिमिटिव यूनिट सेल कथा पढ़ी सारी तो तथापि से गोटे प्रिमिटिव सिंपल क्यूबिक जोटा कि फास्ट प्रिमिटिव यूनिट सेल था देन आसला नॉन प्रिमिटिव आसाला बीसीसी एफसीसी एंड एचसीसी। ओके तो भितर आम केवल क्यूबिक केवल क्यूबिक आम बीसीसी आउ एफसीसी को ही नवा नॉन प्रिमिटिव भितर तो अब देखा हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स फॉर यूनिट सेल तो स्ट्रक्चर हेल्ले बहुत इंपोर्टेंट प्रिमिटिव भितर आसला एससी मैंने जोटा कि आम सिंपल यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोली कह क्यूबिक केस रे तो तार स्ट्रक्चर केमती आसो सिंपल गोटे क्यूबिक स्ट्रक्चर जोटा से टाइप स्ट्रक्चर ही आस से टाइप स्ट्रक्चर आसो सिंपल क्यूबिक कौ टाइप यूनिट सेल दैट इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल दैट मीनस जो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या कहूँ केवल जो आटम गुड़ाक कर्नर अच्छे से गुड़ाक ही काउंट्रे ना तो आठटा कर्नर अच्छे आठटा कर्नर आठटा आटम अच्छे केवल से ही गुड़ाक ही काउंट्रे ना तेनाली कौन कौन आसो कर्नर पर कौन अच्छी देन आसवर सेन्टर सेन्टर मैंने तार जो मझे जो सेन्टर टा देन आस फेस्रे के तो ये कैलकुलेसन करवा तो फास्ट आसला कर्नर पर तो कर्नर पर आउ गए मुझे डायग्राम करने चाहिए तो कमी कर डायग्राम टाक जदि टे फोकस करवागू जूम करवा या उपरकू तो कौ टाइप स्ट्रक्चर आसो गोटे जेको गोटे फेस को ना गोटे फेस को तो यू डिवाइड हे रईट तो यही टाइप कर्नर जो आटम गुड़ाक अच्छे केवल से गुड़ाक ही ना है केवल कर्नर आटम गुड़ाक ही ना तो आटम को आसिले देख यही पार्टा रही तार कंस्ट्रक्शन जाने यूनिट सेल रेल रहा भी आम कहि स्पेस लाटिस क्रिस्टल लाटिस कथा कह तो सही केवल यही गोटे पार्ट ही जाऊट यार्ट गुड़ाक जाऊना दैट मीनस जदि आम यही पार्ट गुड़ाक काटिकी उड़े भी दबा देन स्ट्रक्चर आमर किसी डिस्टर्ब हबारे ना कर्नर यही पार्ट को केत इज वन बाई एट अफ द टोटाल आटम टोटाल आटम रठ भाग रु गोटे भाग नि ओके तो से कर्नर तेल कौन आसा आठटा आटम अच्छी टोटाल आठटा आटम अच्छे एट इंटू वन बाई एट तो मिलगलाटा वन मिलगला सिंपल वन मिलगला तापर आसा सेन्टर सेन्टर में किसी ना टोटाली आम कैलकुलेट करें ही ना सेन्टर को कहीं गोटे प्रिमिटिव यूनिट सेल ओके तो प्रिमिटिव यूनिट सेल टोटाली सेंटर को कौन सेंटर को नवानी केवल कर्नर गुड़ाक नवा तापर आसा फेस फेस रे भी किसी नहीं तो टोटाल एडिशन कर दो विल गेट हियर वन तले नंबर ऑफ आटम पर यूनिट सेल ला वन आसुछ क्लियर ये गला हमरो सिंपल क्यूबिक पाई वर्तमान जीवा बीसीसी बीसीसी ओके बीसीसी आउ थरे बीसीसी रो फुल फॉर्म कोन अछि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल सेटा को बीसीसी बोली नहीं होता बर्तन जो क्यूबिक केस कौन तेनाली बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोली है तो ना कह ओके तो यार भी स्ट्रक्चर करवा सब गुड़ा गोटे टाइप समघन सब बाह गुड़ाक सामान रार तार कौटी आटम नवा कर्नर रे तो नवा ये कर्नर रे आटम्स को नहीं थी ये आठटा जाक कर्नर में आम इच कर्नर में आम सब जिते सब आटम अच्छी सब आटम गुड़ाक नवा सहित आमको नवार अच्छे टोटाल सेन्टर में दैट मीनस एमती गोटे आटम जोटा कि छटा जाक फेस को टच करके okay? देख जदि सेन्टर में से जीव तो छटा जाक फेस को से टच कर आहेतु से सेन्टर में रहा जदि आम डिस्टर्बेंस करवा ओबियसली से स्ट्रक्चर को भी डिस्टर्बेंस हम पूरा फुल स्ट्रक्चर टाक होल स्ट्रक्चर को तो ये ठीक सेमती जदि यार टोटाल घर गोटे टोटाल मैंने कौन से गोटे बक्स कथ कह भर पूरा सब गुड़ाक आम भरी कर रखी तो से जगह गोटे पूरा भितर इंटरनाल पार्टर जेको जदि गोटे बल्ब आम काढ़ीद पूरा पूरी जमी गोटे एक्जामपल स्ट्रक्चर करदे ये पूरा पूरी बल्ब पैक होदि सेन्ट्राल पार्ट मुझे काढ़ीदेवी बाहर करदे मतलब सब आटम गुड़ाक जिते तार आउटर मोस्ट जहाँ भी आटम अच्छी सब गुड़ाक बिगड़ी जीव सब गुड़ाक स्ट्रक्चर बिगड़ी जीव ओके
ଯେମିତିକି ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସୁଛନ୍ତି ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନବା, ଆମ ଘରର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନବା, ଭିତରଟା ଫମ୍ପା ଅଛି, ଯଦି ଭିତରଟା ଫୁଲ୍ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଆମ ଘରର ସେଣ୍ଟର୍ ଯୋଡ଼ି ଅଛି ସେଇଠି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଟମ୍କୁ କାଢ଼ିଥାନ୍ତେ ବା ସେ ବଲ୍ବକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତ ଓବିୟସ୍ଲି ତା ଉପରେ ଭରା ଦେଇକି ଯେଉଁ ଅଲଗା ଆଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବିଗିଡ଼ି ଯିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଠି କେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା, ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ପାଇଁ ସେମ୍ ରହିବ, ସରି ସରି ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଆଗ କର୍ଣ୍ଣର୍ ନବା, କର୍ଣ୍ଣର୍ ତ କର୍ଣ୍ଣର୍ ପାଇଁ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ 8 × 1/8 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1, ଦେନ୍ ଆସିଲା ସେଣ୍ଟର୍, ସେଣ୍ଟର୍ ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଆଟମ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା ନାହିଁ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଆଟମ୍କୁ ନେବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫେସ୍, ଫେସ୍ ପାଇଁ ଆସିଲା 0, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଆସିଲା, 1 + 1 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 2, କ୍ଲିୟର୍। ତାହେଲେ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଆଟମ୍ ଫର୍ ବି ସି ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 2, ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଆଟମ୍ ଫର୍ ଏସ୍ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 1। ଓକେ, ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଫ୍ ସି ସି ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଫ୍ ସି ସି ପାଇଁ, ଏଫ୍ ସି ସି ତାହେଲେ ଏଫ୍ ସି ସିରେ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ ହବ, ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ରହିବ, କେବଳ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ଏଫ୍ ସି ସିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଯାହାର ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିଦେବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫେସ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍, ଫେସ୍ ସେଣ୍ଟର୍, ଫେସ୍ ମାନେ ଯେମିତିକି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟୁବିକ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ନେବା, ତ ଏଇ କ୍ୟୁବିକ୍ରେ ଆମର 6ଟା ଫେସ୍ ରହୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ସିମ୍ବଲିକ୍ ମୁଁ କରିଦେଉଛି, କାଉଣ୍ଟ କରିନେବା 1, 2, 3 & 4, 5 & 6। ଓକେ, ଏଇଟା ଯଦି 5 ହବ ଦେନ୍ ଏଇଟା 6 ହବ, ଏଇଭଳିଆ ଭିତର ଆର ପଟା 5, 5 ଆଗପଟା 6, ତ 6ଟା ଫେସ୍ ଅଛି, 6ଟା ଫେସ୍ରେ ଫେସ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଫେସ୍ର ମଝିରେ ରହିବ, ତା ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ କ୍ୟୁବ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ଫେସ୍ଟା ରହିବ, ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା କରୁନି ତାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଆମେ ବା କାଟିକି ଉଡ଼େଇଦେବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଟମ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କଲେ। ଓକେ, ତ ଏଠି ସେମିତି ଫୁଣି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା, ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣର୍ ପାଇଁ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ରହିବ, 8 × 1/8 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 1, ଦେନ୍ ଆସିଲା ସେଣ୍ଟର୍, ସେଣ୍ଟର୍ ମାନେ ମଝିରେ, ମଝିରେ କିଛି ନାହିଁ 0, ତାପରେ ଆସିଲା ଫେସ୍, କେତେଟା ଫେସ୍ ଅଛି, 6ଟା ଫେସ୍ ଅଛି। ଓକେ, ତ 6 × 2 ଗୋଟେ ଆଟମ୍ର ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଅଧା ନେବା, ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ପାର୍ଟ, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ପାର୍ଟକୁ ନେବା, ଆଉଟର୍ ପାର୍ଟକୁ କାଟିଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତା'ର ହେଇଯିବ 1/2, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ୟୋର୍ 1/2, ତାହେଲେ 1/2 ଆସିଲେ ଆସିଗଲେ 3, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିବା ଦେନ୍ ଆସିଲା 4, ହେଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଆଟମ୍ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍ ହିସାବରେ ଏଫ୍ ସି ସି ପାଇଁ, ଏଫ୍ ସି ସି ପାଇଁ ପଢ଼ିଲେ, ବି ସି ସି ପାଇଁ ପଢ଼ିଲେ, ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୟୁବିକ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ିଲେ, କ୍ଲିୟର୍। ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ନନ୍ ପ୍ରିମିଟିଭ୍, ତେଣୁ ଆମେ ଫେସ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ନେଇପାରିବା, ବଡି ସେଣ୍ଟର୍ ନେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୟୁବିକ୍ରେ ଆମେ ଟୋଟାଲି ନେଇପାରିବାନି କୌଣସି ସେଣ୍ଟର୍କୁ, କେବଳ କର୍ଣ୍ଣର୍ ଆଟମ୍କୁ ନେବା, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ୟୁନିଟ୍, କ୍ଲିୟର୍। ଓକେ।